हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देख सकते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन के प्रॉब्लम करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एक बॉडी है, ये जो स्ट्रिंग से कनेक्ट हो रहा है, इस तरह से ये पुली फिक्स्ड है यहाँ पर। और इंस्टेंट एट गिवन इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ कार ए इज वी टूवर्ड्स राइट, इसकी वेलोसिटी राइट वर्ड है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी, इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है। यहाँ पर आप देखें स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी आपको पता है भी, इसकी वेलोसिटी तो डाउनवर्ड होगी, कितनी होगी ये निकालना है। तो इसको मैं बोल देता हूँ वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए, इसको बोल देता हूँ वेलोसिटी ऑफ बी। तो इसके कई मेथड है सॉल्व करने के स्टूडेंट्स, है ना। पहला मेथड ये है, सबसे इजी मेथड क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है, ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअली जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी तो इधर है। इसका कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग है, स्ट्रिंग के अलोंग जो कंपोनेंट होगा, इसका कंपोनेंट सपोज ये वाला कंपोनेंट, लेट मी चेंज कलर, यहाँ पर ये कंपोनेंट आ जाएगा, प्रोजेक्शन लेंगे इसका इसका, तो ये कंपोनेंट ऑफ दिस एक्चुअल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा स्ट्रिंग के अलोंग, वो क्या होगा, सेम होगा इसके वेलोसिटी के अलोंग। क्योंकि इसकी वेलोसिटी अगर बी बी है डाउनवर्ड, तो ये जो है स्ट्रिंग वी बी से आ रहा, तो ये पॉइंट भी इधर बी बी से जाना चाहिए, है ना। और ये कितना है, तो बी ए कॉस थीटा के इक्वल होगा ये पॉइंट, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का जो कंपोनेंट आएगा, तो वो हो जाएगा वी ए वेलोसिटी ऑफ ए कॉस थीटा, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, है ना। ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका कंपोनेंट हम लोग ब्रेक करें। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके ले आते हैं यहाँ पर, और उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ब्रेक कर देते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन लेंगे तो इतना ही आएगा, जो एक्चुअल वेलोसिटी के इक्वल है ही नहीं। आप जो है इसका प्रोजेक्शन लेंगे स्ट्रिंग के अलोंग, तो ये आएगा। अब इसका प्रोजेक्शन लेंगे इधर, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये अलग लेंथ आ जाएगा, इसका प्रोजेक्शन तो ये आएगा। अगर इस ऊपर वाले का प्रोजेक्शन लेंगे तो इतना ही बड़ा लेंथ आएगा, है ना, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी से तो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, इसका दूसरा भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप इसको समझ में आएगा। यहाँ पर तो ये बोल सकते हैं बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बी, है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बी ए बी के इक्वल दिया है और निकल गया। एक तो तरीका आसान, दूसरा तरीका ये होता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि ये जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसको एक्स मान लेते हैं। सपोज ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक, वेट ए मिनट, लेट मी शिफ्ट कैमरा, है ना, ये डायग्राम में देखें। तो एक तरीका है कि हमने यहाँ से यहाँ एक्स मान लिया, ये डिस्टेंस वाई है, और यहाँ की हाइट कैपिटल एच है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट कैपिटल एच है। अच्छा, इसको भी कुछ मान लेते तब भी हो जाता। तो ये जो लेंथ है स्ट्रिंग का, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ये तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट रहने वाला है। यानी ये अगर हम लोग लेंथ निकाले तो ये कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा एच, ये लेंथ जो है इसका स्क्वायर जो है एच माइनस वाई, ये लेंथ हो जाएगा एच माइनस वाई, ये लेंथ हो गया एच माइनस वाई, ओके सर। और ये वाला लेंथ कितना होगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये एच है और ये एक्स है, तो ये अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। तो इसको हमें पता है कि टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, दोनों को ऐड कर देंगे तो स्ट्रिंग का लेंथ सपोज एल मान लिया, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एच माइनस वाई, ये हो गया ये वाला स्ट्रिंग, ये वाला स्ट्रिंग, और ये हो गया। अब इसका लेंथ तो कांस्टेंट रहने वाला है, आप इसको कैसे करोगे, आप जानते हो कि इसका लेंथ अगर कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये जीरो आएगा, इसको डिफरेंशिएट करें टाइम के साथ, तो लेंथ तो चेंज होने वाला है नहीं है टाइम के साथ, वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, ऐसा तो होगा नहीं कि लेंथ स्ट्रिंग। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच, इसका तो एच का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, माइनस डी वाई बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी ये वाई है स्टूडेंट, जब ये नीचे आएगा तो ये घट रहा होगा, है ना, तो माइनस ऑलरेडी है, और एक आ जाएगा माइनस डी वाई बाई डी टी, डी वाई बी टी, माइनस साइन क्यों लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि वाई घट रहा है, ऑब्वियसली वाई घट रहा है तो माइनस साइन आएगा, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा,
वन बाई अंडर टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही आएगा, क्योंकि इसका पावर टू है तो इसमें माइनस वन बाई टू होगा तो नीचे में आ जाएगा, और पावर मल्टीप्लाई भी होगा ऑब्वियसली, यहाँ नीचे आ जाएगा इनटू। अब इसका डिफरेंसेशन, चेन रूल लगा रहा हूँ, चेन रूल लगाएंगे तो एच स्क्वायर का डिफरेंसेशन तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये टू एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। अब डी एक्स, एक्स देखो घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो घट रहा है तो माइनस डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे, डी एक्स बाई डी टी घट रहा है। ओके सर, इक्वस टू जीरो होना चाहिए, ठीक है सर, तो इसको इक्वेट कर दो, है ना। अब यहाँ पर देखे स्टूडेंट्स, मैं यहाँ इक्वेट कर देता हूँ, यहाँ पर ये यह हो जाएगा प्लस वेलोसिटी, ये क्या है, डी वाई बाई डी टी किसका वेलोसिटी है, इसका है वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, तो उसको मैं बोल रहा हूँ बी बी इज इक्वस टू जीरो इक्वस टू इतना प्लस माइनस आएगा, चलिए माइनस आएगा, माइनस ए टू से टू कैंसिल हो गया, एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा इंटू वेलोसिटी ऑफ डी एक्स डी एक्स बाई डी टी इस डायरेक्शन में होगा, माइनस तो ऑलरेडी हम निकाल लिया, तो ये कितना आ गया वी हो गया, जो कि वेलोसिटी ऑफ ए है। तो अब इसको इक्वेट कर दिए जीरो का, तो बी बी आ गया बी। अब ये बताओ ये टर्म क्या है, ये टर्म क्या है, ये तो परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये हाइपोटेनस, ये बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इंटू बी। तो आप बी बी इज इक्वस टू बी बी इज इक्वस टू बी ए इंटू कॉस थीटा हो गया, बी ए कॉस थीटा हो गया, है ना। यहाँ पर भी देखो बी ए कॉस थीटा इज इक्वस टू बी बी, बी ए क्या था, बी था, सेम है, सेम आंसर आ गया, है ना। और भी एक तरीका है इसका, कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हैं, एक मेथड और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो है स्ट्रिंग है, मान लेते हैं कि कुछ देर के बाद डी टी टाइम के बाद, बहुत छोटे से इंटरवल डी टी टाइम के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट यह होगा, तो ये एंगल बहुत छोटा है स्टूडेंट्स, टेंस टू जीरो है, टेंस टू जीरो है, एंगल बहुत छोटा, क्योंकि वेरी स्मॉल टाइम में ये जो है इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम है, बहुत छोटा है, तो इसमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज बी डी टी, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम बी डी टी हो गया। अब इधर यहाँ चला गया तो ये लेंथ जो है इसके लेंथ के इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आर्क लेंथ, अगर मैं इस तरह से इस छोटे एंगल के लिए हम लोग बोला था कि ये थीटा अगर बहुत स्मॉल है, ये थीटा अगर बहुत स्मॉल है टेंस टू जीरो है, तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाता है, तो ये एंगल तो बहुत छोटा होगा, तो सोचो ये साइड, ये वाला साइड जो है इसके इक्वल हो गया, तो ये लेंथ हमारा एक्स्ट्रा है, इतना लेंथ हमारा क्या हुआ, इसमें डिक्रीज हुआ है, इतना ही लेंथ डिक्रीज होगा, ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो यहाँ से यहाँ भी डी टी है, तो ये लेंथ हो जाएगा भी बी डी टी के इक्वल होगा, क्योंकि अगर ये भी बी डी टी इधर आएगा उतना, तो भी बी डी टी इधर जाना चाहिए, और ये है भी डी टी, तो ये दोनों इक्वल हो, इसका कंपोनेंट अगर लेते हैं इस डायरेक्शन में, बी बी डी टी का कंपोनेंट अगर, सॉरी बी डी टी का कंपोनेंट अगर इधर लेते हैं बी बी डी टी के लॉ, तो इक्वल होगा, तो बी डी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बी डी टी, है ना। या ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ये बी डी टी है, बी बी डी टी है, ये बी डी टी है, तो आप लगा सकते हैं हमें बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बी डी टी, दैट इज बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, क्योंकि ये सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता, तो बी बी डी टी डिवाइड बाई बी डी टी, डी टी डी टी कैंसिल हो गया, बी बी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा हो गया, इस तरह से हम लोग रिलेशन निकालते, तो हमने ऐसे देख लिया तीन मेथड से हम लोग करते।